अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चना फ्राई। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप उबला हुआ चना। इसे पहले रात भर हमने भिगा दिया था, उसके बाद कुकर में इसे उबाल लिया है थोड़ा पानी डालकर, और इसका पानी हमने छान लिया है, और ये 1 कप है। अब यहाँ पे हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा, 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून चावल का आटा, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून शेजवान सॉस, 1 पिंच फूड कलर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक कम डालेंगे क्योंकि जितनी सॉस हमने डाला है उसमें भी नमक रहता है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच पानी भी डाल लें, हमने नहीं डाला है, ये परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम चने डाल देंगे जो उबाल के रखा है, मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट ऐसे रख देंगे। इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। 15 मिनट हो गए, तेल भी गर्म हो गया है। यहाँ पे है हमारे पास लहसुन, 10-15 जो लहसुन के हैं, ये बगैर छिला हुआ है। सबसे पहले हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। चने के साथ इसको खाओ तो बहुत मज़े के लगते हैं। हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर चना डाल देंगे, एक एक करके डालेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब कुछ सेकंड के लिए इसको हम छुएंगे नहीं। तकरीबन 30 सेकंड के बाद इसे हम पलटेंगे और उलट पुलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। अभी यहाँ पे ये हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। हमने पूरा चना निकाल लिया है, वापस जो बचा था उसको डाल देंगे। ये भी हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा क्रिस्पी चना फ्राई रेडी है। ये बहुत ही यम्मी बना है। इसे आप बनाएं साथ ही हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व करें। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हो, शाम की चाय पे भी बना के खा सकते हो। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप ज़रूर बनाएं, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।